हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स बिसम्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं अभी माने भंजन में, और आज मैं जा रहा हूं चित्रे और मेघमा, जो कि पड़ता है संदकपुर रूट के बीच में, और ये फेमस है इसके गुम्पा और खूबसूरत लैंडस्केप के लिए। और आज के इस वीडियो में मेरे साथ है सूर्य दीक्षा और चंदना और रोशनी राय और ऑफ कोर्स मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। हेलो, कहाँबाट आएको? कहाँबाट आएको? सन्दकपुरबाट होइन होला? ओ यो भिडियो युट्युबमा लु हाल्नु फेमस हुन्छ, मलाई पैसा दिनु। ओके, तिम्रो नाम? मेरो नाम हो रिन्छेन। अरू? लाक्पा छोजेन। ओके, युट्युबमा हाल्यो। ओके, और यहाँ से शुरू होता है सन्दकपुर की जर्नी, और साथ ही साथ हमारा भी। वैसे तो रास्ता मेस्टिक रोड है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा सकते हैं, लेकिन जगह जगह पर छोटी रास्ता होने के कारण ऊपर से आते हुए गाड़ी को 5 दिन के लिए रिवर्स करना पड़ता है। और ऐसे ही हमने इस गाड़ी को पास दे दिया और हम लोग फिर चल पड़े चित्रे गुम्पा की ओर। और माने भंजन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चित्रे मॉनेस्ट्री। और इस तरह से गाड़ियों को पास देते हुए हम लोग कुछ ही देर में पहुंच गए चित्रे नरोपा रिट्रीट सेंटर। दोस्तों, ये रहा चित्रे व्यू पॉइंट। काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए काफ़ी सारे होम स्टे और फास्ट फूड सेंटर्स, रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ के बाकी और लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग फिर चल पड़े ऊपर की ओर। और हम भी पहुंच गए ऊपर, और आप भी देखिए यहाँ के नज़ारे।
और जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तभी मेरा फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन के उस तरफ थी मेरी वाइफ। वो लोग अगले दिन ही संदकपू के लिए निकल गए थे और जब नीचे मेरा गाड़ी देखा तो उसने मुझे कॉल किया। तो चलिए मिलते हैं उन लोगों से। हेलो, अंत कस्तो भाई? एकदम हेलो, मजा मजा राम्रो भाइ दिन साथीहरु घर छैन मैले छैन चित्रे आइपुगेको अच्छे ज्यादा छिटो भयो मजा भयो और फिर हम लोग निकल पड़े मेघमा की तरफ। और इस तरह लगभग 20 मिनट ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए मेघमा, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां जो टूरिस्ट लेके संदकपू और फालूट जा रही थी वो सब भी रुके हुए थे यहां की खूबसूरती को देखने के लिए। और हम लोग भी चल दिए गुम्बा के अंदर। दोस्तों मेघमा एक बहुत ही छोटा सा जगह है लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा। तो दोस्तों ये था मेघमा गुम्पा और यहाँ के नज़ारे। तो हम सुबह ही निकले थे तो भूख लग रही थी और खाना हम लोग साथ में लेके आए थे और रास्ते में हमने एक छोटा सा पोखर देखा था तो हम सब ने डिसाइड किया वहीं पर जाके अपना लंच करेंगे और फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। दोस्तों ये थी वो जगह और इस पोखर का नाम था झाव पोखरी। ठीक है, जाओ खाने में। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप गर्ल्स के साथ घूम रहे हैं ना तो आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं लंच और आप लोग एंजॉय कीजिए यहाँ के नजारे।
तो अभी लंच भी हो गया, घूमना भी हो गया और टाइम भी बहुत हो गया, तो हम चलिए वापस घर की तरफ, बहुत सारी यादें दिल में लिए। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए।